अब यही होगा जो तू चाहती है। तेरी आंखों के सामने तू मुझे बर्बाद होते हुए देखेगी गंगा। मेरी जिंदगी मिटाकर अगर तू जी सकती है ना गंगा, तो जी ले, जा, go live your life। आज मेरे जले हुए दिल का तमाशा अब सब लोग देखोगे। देखो देखो इस आंख को जिसमें मैं झुलस रहा हूं। देखो सब, मेरे बेटे से बदला ले रही है ना, उसे बर्बाद करना चाहती है ना तू, कि गृहस्थी बसने से पहले उजाड़ देना चाहती है। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कहती है कि ये लड़की सर्वनाश लेकर आई इस घर में, और वही किया सर्वनाश। गंगा तुम रुक जाओ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम यहाँ पर रुक गए। हमने क्यों तुम्हारी बात मानी, हमें रुकना ही नहीं चाहिए था। गंगा हम अब नहीं रुकेंगे यहाँ पे, प्लीज भाभी इस बार हमें मत रोको। गंगा तुम कहीं नहीं जाने वाली, पागल मत बनो। प्लीज हमें जाने दो, मेरी बात सुनो, पुलकित को आने दो, फिर बात करते हैं। क्या बात भाभी, कैसी बात? तुमने सुना नहीं बहुची ने क्या कहा कि इस घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। जब तक हम इस घर में रहेंगे सागर की गृहस्थी कभी नहीं बच पाएगी। पता नहीं हम क्यों रुक गए यहाँ पर, क्या सोचकर? हमने क्यों नहीं ये सोचा कि हर बार की तरह इस बार भी हर चीज के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हमने सुना ना भाभी, बहूजी ने कहा कि सागर की शादीशुदा जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं, हम उसे खुश नहीं देख सकते। इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन्होंने हम पे, हम ये नहीं सह पाएंगे भाभी, हम नहीं सह पाएंगे। प्लीज प्लीज भाभी हमें मत रोको। अपना सामान वापस अलमारी पे रखो। प्लीज पुलकित भैया इस बार हमें मत रो। छोड़ छोड़ो छोड़ो इसे, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। इतना अधिकार है कि नहीं मुझे, या इतने सालों तक ऐसे ही भाई बोलती रही? प्लीज भैया तुम तो जानते हो ना कि हमने दिखावे के लिए कभी कोई रिश्ता नहीं जोड़ा, लेकिन प्लीज इस बार हमें मत रो। बस बहुत हो चुका, मैंने तुमसे कहा ना तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, अगर मेरे बोलने के बाद भी तुमने मना किया तो आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। और जिन लोगों को मेरे घर में मेरी बहन को देखकर तकलीफ हो रही है ना, उनसे तो मैं बात करता हूं। पुलकित भैया गंगा मत रोइए ना दीदी, चुप हो जाइए, रो रो के अपनी तबीयत खराब कर लेंगी आप। जब तक ये लड़की इस घर में है ये तमाशा तो चलता ही रहेगा, आप क्यों रो रही हैं? बस करिए। आपकी हिम्मत कैसे भी गंगा को कुछ कहने की, क्या समझते हैं गंगा को? जब चाह घर ले आए, जब चाह घर से निकाल दिया, आपको कोई हक नहीं है उसकी बेइज्जती करने का। और क्यों, क्या क्या उसने, जवाब दीजिए मुझे, गलती क्या है उसकी? आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। अगर कुछ पूछना है तो अपने बेटे से पूछिए, पूछिए उससे। क्यों आता है बार बार गंगा के पीछे, इतना बड़ा धोखा देने के बाद हिम्मत कैसे हुई उसकी? अगर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो उसकी प्रॉब्लम, गंगा की नहीं। उसके बस आप में से किसी ने भी उसकी कदर नहीं की है तो उसकी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है आपको। बहन है वो मेरी, और अपने भाई के घर में रहती है, आपके घर में नहीं, तो किस बात की तकलीफ है आपको? गंगा को कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं। हो गए सागर का कोई पता ही नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा सागर, पता नहीं कहां चला गया। प्लीज
पिक अप द फोन सागर। सागर, सागर, कहाँ चले गए थे तुम? फोन क्यों उठा रहे तुम? I was so worried about you, सागर। तुम ठीक तो हो ना सागर? हाँ? क्या बात है सागर? रुको सागर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इस तरह से कमरे से बाहर नहीं जा सकते। शादी की है तुमने मुझसे, मेरा कोई हक है या नहीं? शादी का कोई मतलब नहीं है जानवी। क्यों नहीं समझती हो? ये शादी नहीं है। देखो जानवी, I'm sorry, मैंने गलती की है। गुस्से में आकर पागल हो गया था मैं, तुम्हें इस झंझट में घसीट लाया मैं। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो, राइट? समझती हो उस बात को? इसलिए जानवी, अगर तुम चाहती हो तो इस बंधन से आजाद हो सकती हो। तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो उस घर में, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ट्रस्ट मी। ओके? अगर ऐसा ही करना था तो फिर तुमसे शादी क्यों करती? Why don't you understand, Sagar? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जानवी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें कैसे इंसान से प्यार करती हो जो किसी से भी प्यार करने के काबिल नहीं है? सागर, शब है सहर भी है, खता है महर भी है, कभी तू फलक से उतारी फरिश्तों की धुन भी है। मैं रहूं हर पल यूं तेरी यादों, क्या करूं क्या कहूं, ये मुझे क्या हुआ क्या हुआ। इश्क नशी, इश्क नशी, इश्क नशी, इश्क नशी।
आप सोए नहीं रात भर? क्या हुआ? शादी हुई घर के बेटे की खुशी का मौका है तो थोड़ी खुशी हमारे साथ बांट लो, दुआ मिलेगी। महाराज जी क्या हो रहा है? अब लला भैया देखिए ना, आए हैं चिकने राजा दूल्हे राजा, 11,000 रुपए लोगे। हाय दुल्हन आई, हाय हाय कितनी चांद जैसी दुल्हन लाया है, भगवान नजर ना लगे दुल्हन को, कितनी खूबसूरत है, पूरे 11,000 रुपए लूंगी। ला 11,000 रुपया तो लेके ही जाऊंगी तेरे से, हाँ ऐसे नहीं छोड़ूंगी राजा, ला दे। कैसी खुशी? हाँ कैसी खुशी, किसकी खुशी? पता है अबे क्या हो रहा है? पता है तुम लोगों को क्या हुआ है? घर में मातम छाया हुआ है, यहाँ पे मौत हुई है किसी की। मातम पुरसी करनी है? हाँ बोलो, करनी है मातम पुरसी? चलो एक काम करते हैं, आओ आओ जवाब दो, बोलो करोगे? क्या हुआ क्या हुआ, जवाब दो, मौत का जश्न मनाना है? हाँ चलो नाचो नाचो, मैं बजा रहा हूं तुम लोग नाचो। नाचो चलो चलो, हम सबको देखना है तुम्हारा गाना, चलो चलो नाचो, वेट कर रहे हैं हम सब, देखो सब वेट कर रहे हैं, नाचो नाचो। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, नाचो ना। अच्छा तुम लोग सिर्फ खुशी के मौके पर नाचते हो ना, चलो आज मौत की भाइयां भी गा दो, गाओ चलो गाओ 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 गाओ, नाचो नाचो ना, नहीं नाचो नाचो, अरे चलो नाचो नाचो नाचो, बावला हो गया, नाचो ना नाचो ना नाचो ना, नाचो नाच ही नहीं रहे, नाचो 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 ना, आओ ना नाचो आओ, अरे नहीं सुन ही नहीं रहे ये लोग, आओ नाच ही नहीं रहे, देखो ना नाच, ओ ओ इधर आओ, इधर इधर
नाच नहीं रहे महाराज जी, जाके बुला के लाइए उन्हें, चाहिए जाइए बुला के लाइए, नाचेंगे वो लोग। अरे आइए जाइए जाइए महाराज जी, जाइए जाइए बुलाइए उन्हें, अभी अभी आएंगे वो लोग। अरे जाओ 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 जाओ, ओ सुनो इधर, ऐसे कैसे नहीं मनाएंगे, मौत का जश्न मनाएंगे आज तो। आओ 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 सब आओ, आओ आओ सब आओ, आओ नाचो, वेट कर रहे सब, आओ सबको नाचना है ना, इधर आओ नाचो इधर आके, मम्मी देखे कुछ बोलिए ना। ओ अरे मौत का जश्न मनाते हैं। बस सागर बहुत हो गई, अब और नहीं देख सकूंगा मैं। सोचो क्या बीतेगी एक बाप के दिल पर जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने खुद को बर्बाद करने पे तुला हुआ। तुम नहीं समझोगे, जब एक बाप बनोगे ना तब समझोगे कि माँ बाप के सामने उनकी औलाद का दुखी होना मौत से कम नहीं होता है। जानता बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, गुनहगार हूं मैं, तुम्हारा भी, और गंगा का भी। इसकी जो चाहे सजा मुझे दे दो, लेकिन खुद को इतनी बड़ी सजा मत दो बेटा, मत दो। अपने बेटे को इस तरह से तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता मैं। चाहे तू मेरा गला घोट, लेकिन बेटा प्लीज भगवान के लिए अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं अपने बेटे को इस तरह से टूट कर बिखरते हुए नहीं देख सकता। बाबू ये क्या कर रहे हो तुम, बाबू ऐसे मत करो, उठो। कुछ भी सह सकते हैं बाबू, लेकिन तुम्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते हम, और किसी के सामने तुम्हें ऐसे गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता बाबू। वो भी उस बेटे के सामने जिसके लिए तुमने कितना कुछ किया, ना जाने कितने त्याग किए, अपने अपने अरमानों का, अपनी खुशियों का बलिदान दिया। नहीं बाबू, तुम नहीं झुकोगे, कभी नहीं। बच्चों की दुनिया माँ बाप के चरणों में होती है, माँ बाप अपना हाथ उनके सर पे रख के उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनके पैरों पे नहीं झुकते हैं। और बाबू कोई फायदा नहीं है ऐसी औलाद के सामने आंसू बहाने का जिसे अपने अलावा किसी और की परवाह ही नहीं है, जो सिर्फ अपने आप से ही प्यार करता है, जिसकी दुनिया खुद उससे शुरू होती है और उसी पे आके खत्म भी हो जाती है, जिसे अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी इज्जत, अपनी बेइज्जती बस बस यही समझ में आता है, और किसी से उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो तुम्हारी तड़प कहां समझेगा बाबू, वो नहीं समझ सकता। सागर शादी का फैसला खुद तुम्हारा था ना, फिर तुम किसी और को दोष क्यों दे रहे हो? अपनी बर्बादी का जिम्मेदार तुम किसी और को ठहरा कर अपनी कमजोरी पे पर्दा नहीं डाल सकते। देखो बाबू की तरफ, देखो सागर, देखो बाबू की तरफ। क्या गलती है इनकी, क्या गलती है बाबू की, बोलो। यही कि उन्होंने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, हमारे साथ शायद इन्होंने कभी नाइंसाफी करी हो, कि तुम्हारे साथ तो हमेशा इंसाफ किया ना, एक आदर्श पिता की भूमिका निभाई। लेकिन तुम इन बातों को समझ सको तब ना सागर, तुम जानते हो तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अपने माँ बाप का प्यार मिला। अगर हमारी तरह बचपन में अकेले रह गए होते ना, तब समझ में आता कि माँ बाप कितने अनमोल होते हैं। जानते हो सागर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कि बचपन से लेकर आज तक सब कुछ तुम्हें सोने की थाल पे सजा हुआ मिला है, इसलिए तुम्हें किसी चीज की कदर नहीं है, जो तुम्हारे मन में आता है वो तुम करते हो, किसी का सुख दुख उससे कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा। अभी तो आज अपने खुद के परिवार के साथ तुम कैसा रूखा बर्ताव कर रहे हो। सच तो ये सागर कि तुम एक बहुत स्वार्थी इंसान हो, बहुत स्वार्थी,
अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म है ना तुम्हें, तो अपने आप को इस लायक बना कि तुम्हारे पिता शान से अपना सर उठा के चल सके। उनको इस तरह अपने सामने झुका कर तुम और नीचे गिर रहे हो सागर। जानते हो सागर, हम तो अपने बप्पा का सपना पूरा करने के कुछ भी कर गुजरने को तैयार, कुछ भी। और तुम इतना कैसे गिर गए सागर? हमने तो तुम्हारे चेहरे में बाबू का चेहरा देखा था, उनकी आंखों की सच्चाई हम तुम्हारी आंखों में खोज रहे थे। ये तो तुमसे इतना प्यार किया हमने, लेकिन बाद में समझ में आया कि कितने गलत थे हम। हमारी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया तुमने, बहुत निराश किया हमें। ये तो अच्छा हुआ कि हम तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बने। कम से कम इस बात की तो खुशी है हमें